हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ कटिंग्स की बातें, यानी कि प्लांट्स की कटिंग। देखिए, प्लांट्स लगाना बहुत ही एक हेल्दी काम है। ये हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखता है और हमारी मेंटली हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। तो मैं जा रही थी कल अपने रिलेटिव्स के यहाँ, यानी कि अपनी खाला के, तो मैं उनसे मिलने जा रही थी कल। तो मैं सोची उनके लिए कुछ प्लांट्स ले जाऊँ। वो थोड़े बहुत उन्होंने लगा रखे हैं, उनकी भी थोड़ा हेल्थ इशू रहता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह वो भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग करें और अपनी हेल्थ अच्छी रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी फिज़िकली एक्टिविटी होती है। इसके अंदर हमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम ये एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज करें, ये दवाइयाँ खाएँ, मैं उस तरह के अपनी मेंटली पीस के लिए नहीं। सिर्फ गार्डनिंग करो और आप देखिए आपके अंदर कितना चेंज आएगा अपने माइंड को लेकर और अपनी हेल्थ को लेकर। तो बस मैं उनके लिए कुछ कटिंग्स लेके जा रही थी और कुछ जो मेरे पोर्ट में प्लांट्स लगे हुए हैं वो लेके जा रही थी। तो देखिए, ये मेरा है कैना लिली का, ये फ्लावरिंग प्लांट है। उनको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं मोस्टली उनके लिए फ्लावरिंग प्लांट ही लेके जा रही हूँ। तो ये कैना लिली प्लांट है, इसमें अभी फ्लावर नहीं आया क्योंकि छोटा है, तो मैं छोटे साइज़ में लेके जा रही हूँ ताकि ले जाना आसान रहे। बड़े बड़े पोर्ट्स तो पॉसिबल नहीं होते ना ले जाना। तो ये देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये है कनेर का, ये भी छोटा ही है। और ये फ्लावर प्लांट नहीं है, ये रियो प्लांट है। ये भी बहुत अच्छे ग्रो करता है और कम केयर में ये चलता है। और मैं उनके लिए ऐसे ही प्लांट लेके जा रही हूँ जिससे उनको ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, क्योंकि उनको भी हेल्थ इश्यू है। तो ये भी बिना केयर बिना खाद के चलता है। और एक मैं ये लेके जा रही हूँ चंपा, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गया और आपको पता ही है इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो एक मैं ये लेके जा रही हूँ, बाद में अपना पोर्ट में कर लगा लेंगी बड़े पोर्ट में। और एक मैं ये लेके जा रही हूँ, ये है स्पाइडर लिली। इसमें भी आप लोगों को पता होगा कि इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये कितने अच्छे से ग्रो करता है पूरे साल। तो मैं सारे ही ऐसे प्लांट ले जा रही हूँ जो 12 महीने के हों, ताकि मर ना जाए, कुछ ना हो जाए, वो हमेशा उनको खुश रखें। ठीक है, एक ही हो गया, ये तो हो गए मेरे पोर्ट्स की बात। अब ये है मेरी कटिंग्स। तो कटिंग्स देखिए, मैं कुछ ले जा रही हूँ, जैसे ये कनेर की है, ये इस कलर का इसका फ्लावर है। एक ये कटिंग हो गई है और एक मैं कटिंग ले जा रही हूँ एक्सोरा की। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग है। और एक कटिंग मैं ले जा रही हूँ जेट्रोपा की। फ्लावरिंग प्लांट है और इजी टू ग्रो है, 12 महीने चलता है, कोई खाद की डिमांड नहीं है इसकी। और एक मैं ले जा रही हूँ ये मिनिएचर कनेर है। इसमें देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, ये भी कोई केयर नहीं मांगता, बस टाइम पे इनको वाटरिंग करते दीजिए और एक आध दिन मिस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक मैं ले जा रही हूँ, ये है हिबिस्कस की, इस पर वाइट फ्लावर आते हैं और इसको मैं ले जा रही हूँ। और एक ये कनेर है, ये पिटूनिया है, जिसे मैक्सिकन पिटूनिया जंगली वाला, इसको भी आपको पता है कोई केयर की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी गर्मी बहुत फुल धूप में चलने वाला प्लांट है। अगर आप अपने गार्डन में लगा लोगे तो ये सारे साल चलता रहेगा और अपने बीज से ये अपनी प्रोपोगेशन बढ़ाता रहेगा। तो ये कटिंग हो गई। बाकी एक ये है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है पर ये बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग में, वंडरिंग जियो, ये रहा। और बाकी में कुछ ये पर्सलेन हैं जिसमें अलग अलग फूल के हैं, कुछ रेड हैं, पिंक हैं, वाइट भी है, और कुछ ये जेट प्लांट हैं। ये देखिए, ये जेट प्लांट की भी मैंने अच्छी थिक कटिंग ले ली है ताकि उनसे अच्छे से लग जाए। और बाकी ये है रेड वाला सदाबहार, क्योंकि अभी मौसम आ रहा है इनका, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये रेड सदाबहार है, बाकी सारे ही नोबचियाँ हैं और पर्सलेन है, ये सब ये लेके जा रही हूँ। ये देखिए ये वाला, ये वाइट वाली पर्सलेन है। तो बस अभी तो मैं उनके पास यही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये जब ये ग्रो करेंगे तो ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने ग्रोथ करेंगे और बहुत फैल जाएंगे। और बाकी जब बाद में जाना होगा तो फिर ले जाऊँगी, उससे पहले भी मैं काफ़ी बार उन्हें प्लांट्स दे चुकी हूँ, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रहती है हार्डी प्लांट में उनको दूं ताकि उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। तो आपके भी अपने कोई हो तो उनसे उनको अपनी कटिंग्स वगैरह दीजिए। तो क्योंकि प्लांट्स का तो आपको पता ही है बहुत महंगे आते हैं, कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो सस्ते हमें मिल जाते हैं, पर ज़्यादा प्लांट महंगे आते हैं और फिर कभी कभी सम टाइम वो मर भी जाते हैं तो बस दिल दुखता है। तो अगर इस तरीके से हम प्लांट्स लगाएंगे तो मरने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि ये हेल्दी कटिंग्स हैं। और दूसरी, अगर कुछ हो भी जाए तो फिर इतना दुख नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है।
बाकी और की सिंगोनियम वगैरह है, मनी प्लांट है, तो इनकी कटिंग्स तो मैं दे चुकी हूँ उनको, और अभी फ़िलहाल इतना ही। पहले इनको अच्छे से केयर कर ले, फिर बाकी बाद में देखते हैं। तो बस यही आपसे शेयर करना था कि आप भी प्लांट्स लगाइए, और अपनों को भी बोलिए उनसे कि वो भी प्लांट्स लगाएं, क्योंकि एक ही बहुत 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 ही हेल्दी काम मुझे लगता है। और एक मैं सोच रही हूँ, मैं उनको मैंने अभी लगाई थी बोगनविला की कटिंग, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, ये लगी हुई, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ एक कटिंग उनको इसमें से भी दे देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है ना। एक कटिंग निकाल लेती हूँ उसमें से, ये वाली, बिस्मिल्लाह, बस ये निकाल लेती हूँ मैं इसमें से, बस ये खराब है। बिस्मिल्लाह। अभी मैं, मेरे को अर्ली मॉर्निंग जाना है, तो अभी तो मैं इन सबको पानी में डाल दूँगी, और कोशिश करूँगी कि एक पानी में डली हुई ही ऐसे ही लेके चले जाऊँ, ताकि उनके पत्ते ना मुरझाएं। क्योंकि हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, कुछ देते हैं, तो कोशिश रहती है वो देखने में अच्छे लगे, क्योंकि पत्ते मुरझा जाएंगे तो इनकी जो रौनक होती है वो ख़त्म सी हो जाती है। तो मैं इसको ना पानी में रख ली, देखिए मैंने इसमें पानी ऐसे भर लिया है, और इस तरीके से ये सारी कटिंग मैं ऐसे लगा दूँगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस पानी को ऐसे ही लेके चले जाऊँ, गाड़ी से जाना है वैसे तो, अपनी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करूँगी ऐसे ही गाड़ी में रख के मैं इसको ले जाऊँ, है वो भी दिल्ली में, कहीं मुझे दिल्ली से बाहर नहीं जाना। ये देखिए, ये रहा इस तरीके से, ये गुलदस्ता सा बन गया है, एक प्यारा सा ऐसे। बस ये है कि वो ईस्ट दिल्ली में रहती हैं और मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, बस इतना ही डिस्टेंस है। और अब मैं इन कटिंग को मैं किसी पॉली बैग में रख लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया है, ये पानी में लगा दी कटिंग्स, ये पॉली बैग में रख दी है, और ये कुछ जो पॉट हैं ये मैंने इसमें रख दिए हैं, और ये बड़े वाले मैंने इधर रख दिए हैं। तो ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा चंपा। तो बस आज की मेरी इतनी छोटी सी शेयरिंग थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।